अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। लग रहा था ये नेशनल न्यूज चैनल वाला यानी कि ऑफिस है और तकरीबन मैं समझता 1500-1600 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस है। डिफरेंट रूम्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग का अलग रूम है, एडिटिंग का अलग रूम है, स्टूडियो बाकायदा इंटरव्यू का, और इनका फिरोज भाई का एक अलग सा केबिन शानदार, बहुत अच्छा है। बहुत खुशी है, मेरे को बहुत बहुत मुबारक हो। अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, दिल की गहराइयों से फिरोज निर्मल साहब का टीम को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने जो आज धामनगर नाका पे द वॉइस की ऑफिस की ओपनिंग की, उसमें हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं फिरोज भाई का वापस शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतना कहूँगा, फिरोज भाई को मैंने एक ऊंचे लेवल से काम करते हुए देखा है और आज अल्लाह का शुक्र है कि उनकी मेहनत और उनकी लगन आज गांधी शहर के अंदर आज टॉप जो सब न्यूज चल रही है उसमें से आज फिरोज भाई का टॉप में से नंबर का नाम उठा आता है। जितनी भी कवरेज हो रही है, जिस तरीके से डिटेल में कवरेज हो रही है, जो रिमोट एरिया में पता भी नहीं चलता लोगों के हाथ में, जो कम समझ में आने लगा है, हाउ इट हैज टू बी सॉल्वड। इनकी ऑफिस पहले मेरे वार्ड में थी, लेकिन अब इन्होंने तरक्की कर ली है बहुत ज्यादा। इसके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी आलीशान ऑफिस चालू करे है इन्होंने, और भिवंडी की लोग, भिवंडी की आवाम इनके न्यूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसके लिए इन्होंने ये ऑफिस चालू करी है और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं फिरोज निर्मल साहब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही प्रोफेशनल स्टूडियो बनाया इन्होंने और 4 साल इन्होंने बहुत मेहनत की, अच्छे से काम किया। कोरोना काल में हो, चाहे यूपी जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, वहाँ तक गए, कवरेज किए, काम किए और एक अच्छा प्रोफेशनल स्टूडियो बनाया उन्होंने, और अल्लाह ताला और कामयाबी दे, यही हमारी शुभकामनाएं।